हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक और इस नए ब्लॉग में। और मैं हूँ सोनू, बिना पैसे के संपूर्ण भारत यात्रा कर रहा हूँ, ये तो आपको पता ही है। जय बोलेगी। और अभी हम जा रहे हैं कांवड़ लेके, आपको तो पता ही है कि हम लोग अभी कांवड़ लेके केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं एक्चुअली केदारनाथ नहीं जा रहा, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ। और मैं अभी पंचकेदार होते हुए निकलूंगा, तो आज मुझे मध महेश्वर पहुँचना है किसी भी हालत में। देखता हूँ कहाँ तक मैं कवर कर पाता हूँ, देन उसके बाद कल दर्शन करके वापस नीचे आ जाऊँगा। कीमत बाकी ये देखो, इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पे, कितना खूबसूरत नज़ारा है। बारिश लगी हुई है, उसकी वजह से रेनकोट डाला हुआ है, छाता भी डाला हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे पहाड़ों में ना इस तरीके के रास्ते आपको मिलेंगे, ये जो रोड है। और आप है ना, ऐसे ब्रिज आपको दिखाई देंगे काफ़ी जगहों पे। और ये देखो पहाड़ों में कितना खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे बादल छाए हुए चारों तरफ और इतनी ज़्यादा हरियाली। और ऐसे सड़क से चलने का मज़ा ही कुछ अलग आता है, लेकिन है ना जब मुसीबत हो जाती है ना पैर में, तो फिर दिक्कत हो जाती है, बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है। मेरे तो मोच आ गई है, अब चल नहीं पा रहा हूँ फिर भी। और अंकल जी भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे, क्या बताऊँ यार, मेरी स्पीड स्लो है, तो कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ चलने की उनके। बाकी यहाँ से अभी 4 किलोमीटर बचा हुआ है कुंद, और कुंद से मैं उखीमठ चला जाऊँगा। सो ये देखो गाइस, कितना खतरनाक रूप है गंगा नदी का, ये जो अलकनंदा आ रही है नदी। और इसके अंदर 3-4 नदियों का संगम है, मंदाकिनी नदी है, सरस्वती और मध्यमाहेश्वरी है। यहाँ पर देखो इस तरीके से दिक्कत आएंगी आपको, देखो ये सीधा अगर आप जाओगे तो, और फिर ऊपर से गाड़ियाँ परेशान करेगी आपको, इतना सकड़ा रास्ता है उसमें गाड़ियाँ। सच में बस आ जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है चलने में। और ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। और इस जगह से ना आपको केदारनाथ 54 किलोमीटर मिलेगा, फाटा 20 किलोमीटर जहाँ पे हेलीपैड स्टार्ट होता है हेलीकॉप्टर्स वगैरह, और इधर चमोली के लिए ये वाला रास्ता जाता है। और मेरे को चमोली की तरफ जाना है, गोपेश्वर चमोली, बहुत ज़्यादा मतलब। ये देखो यहाँ से केदारनाथ वाला एक रास्ता अलग चला गया, और उखीमठ जोक्त वाला एक तरफ चला गया पंचकेदार के लिए, ये वाला रास्ता जाता है इधर वाला, ये वाला रास्ता जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और ब्रिज की तरफ जाता है वो केदारनाथ जाएगा रास्ता। और ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे डैम बना हुआ है, तो डैम से पानी कितना खतरनाक तरीके से आ रहा है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगा। और ये देखो ब्रिज कितना खूबसूरत है यहाँ पे। सो दोस्तों, कांवड़ भाई साहब को दे दिया। हाँ अब बोल दो, क्या बोल रहे हो? जय मौज कर दिया। अरे ना ना ना, आपकी वजह से मेरा सफर और इजी हो गया, क्योंकि मेरा जो लगेज था उसमें बहुत ज़्यादा वजन था, तो ये कोई बात नहीं है। आपको आना था और मेरा काम आसान हो गया, नहीं मेरा वहाँ से वजन आपने ढो दिया, तो आराम से मैं चल पड़ा बस में। चलो बोल शंकर भगवान की जय। दोस्तों ये देखिए उखीमठ से वाले रास्ते में आपको इस तरीके का डैम दिखाई देगा, कितने काफ़ी खूबसूरत डैम है ये। और ऊपर गुप्तकाशी है इसके ऊपर वाला इलाका सारे, इधर उखीमठ रह गया। सो दोस्तों चलते चलते 4 बज गए हैं, और अभी मैं पहुंच गया हूँ फाइनली, यहाँ पे पहुंच गया हूँ, ये जो भारत सेवा संघ आश्रम है यहाँ पे पहुंच गया हूँ। और जो उखीमठ है वो ऊपर है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर तो मैं जाऊँगा नहीं। और वो सामने जो गुप्तकाशी है वो वाला सामने वाला रास्ता वो इलाका है। और इधर देखिए पहाड़ों में कितने खूबसूरत रास्ते हैं, कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। और आज मैं पूछता हूँ इनको रुकने के लिए, मुझे यहाँ रुकना है आज आश्रम के अंदर। तो आप हो गया भैया, यहाँ पे आप हो गया यहाँ पे। ऑफिस कहाँ है इसका अंदर? क्यों स्कूल में है? तो फिर रुकने के लिए किससे पूछना पड़ेगा, रुकने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? मैं आ रखा हूँ गंगोत्री से। बताओ ना यार किससे पूछना है। सो गाइस यहाँ पे फाइनली रहने के लिए तो हो गया, लेकिन पता नहीं कैसा है यहाँ का सीन। और ये देखो कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है बाहर का, तो बाहर का दिखाता हूँ आपको नज़ारा, वो देखो बाहर का यहाँ से, ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं भाई। कितने मंजिल का है ये?
कितने? तीन मंजिल थोड़ी ना भाई, ज्यादा है, तीन तो हम उतर चुके हैं और फिर ऊपर भी है मंजिल, कम से कम आठ। इस तरीके के रूम बने हुए, यहाँ पे रूम नंबर लिखा हुआ है। ये भारत सेवा संघ का आश्रम है, तो कभी आओ तो देख लेना यहाँ पे। बाकी भाई पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, अभी तो और भी नीचे जाना पड़ेगा सबसे, मुझे लगता है नीचे। ये देखो यहाँ पे देखो 208, वाह 208 सही है भाई 208। ये कुछ इस तरीके का कमरा है यहाँ का, और लाइट वाइट तो, हाँ लाइट है, ठीक है। बाथरूम बाथरूम तो ऐसे ही है, सिंपल नॉर्मल वाले, कोई ना दिन निकालने कौन सा है। सो ये देखिए गाइस, 5 से 6 7 मंजिल का है ये पूरा, और 7 मंजिल में आपको है ना, मतलब ठीक है यार, अभी महाराज जी से 100-150 रुपए लेंगे, अगर लेंगे भी तो बाकी तो फ्री में ही हो जाएगा, नहीं तो मैं तो बोल दूंगा बिना पैसे के कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो पैसा देना पड़ता है काफ़ी बार कहीं कहीं जगहों पे। और ये देखो कुछ इस तरीके का नज़ारा है, और खाना खाने के लिए यार जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे खाना खाने में सिर्फ चावल मिलते हैं, तो चावल वो तो फ्री में ही होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं चावल खाता नहीं हूँ, मुझे PSBT का अटैक आता है इसलिए मैं चावल नहीं खाता। बाकी मुझे यहाँ पे आया हूँ अभी खाना खाने के लिए ढाबे पे, ये रेस्टोरेंट है लेकिन यहाँ पे लोकल ढाबों की तरह ही है, मैं आगे वाले भी खाऊंगा वहाँ पे, आगे वाला छोटा सा है ना, छोटा वाला ढाबा है वहाँ खाऊंगा। और ये देखो ये अभी बन रहा है, जब मैं पहले आया था तब इसका काम चालू था, तब तो इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था, लेकिन अभी ये बनना बन गया है, मतलब अभी ये पूरा ये देखो बन के तैयार भी हो गया है। ये पहले आया था ना तब इसका फ्रेम तैयार हो रहा था, पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, और आज तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है। ये देखो नया नया इसका कर दिया उद्घाटन, अभी ढाबे पे यहाँ पे खाएंगे हम लोग खाना। सो गाइस वो जो ढाबा था ना वहाँ पे खाना वगैरह सिर्फ मैगी मिलती है, और या जिसका उद्घाटन हुआ था अभी, और जिसमें मैं पहले जब निकला था तो ये बन रहा था उस वक्त। सो अभी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है खाने का, और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब काफ़ी खूबसूरत है, और सारी की सारी डिशेज मिल जाएगी यहाँ पे। बाकी अभी खाना खा के निकलूँगा यहाँ से, और फिर एडिट करना है, ब्लॉग भी डालना है, बाकी हर हर महादेव। सो दोस्तों खाना खा लिया है, और खाना खा के ये आप चेक करो, मैं अभी बालकनी में आया हूँ, और यहाँ से आप चेक करो पूरा कितना खतरनाक व्यू आ रहा है, डेंजर तरीके का, ऊपर केदारनाथ है उस जगह पे, और ये देखो नज़ारा आप, बिल्कुल